नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी UNFCCC के बारे में। आज बात करेंगे RCEP के बारे में, रीजनल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट ऑन कम्बेटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं आपका RCEP का मतलब हो गया आपका रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बेटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। ठीक है, और जो आपका ISC है इसे कहते हैं हम लोग सूचना साझाकरण केंद्र। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 26 नवंबर 2006 में सिंगापुर में 14 एशियाई देशों के मध्य कॉन्टैक्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एशिया में जहाज़ों में डकैती और सशस्त्र लूट के विरुद्ध एशियाई सहयोग को संवर्धित करने के लिए सरकारों के मध्य पहला क्षेत्रीय समझौता था। याद रखिए, अभी इसमें 20 देश हैं। कितने देश, कितने मेंबर इसके हैं? 20। ठीक है, इसके दृष्टिकोण की बात करें हम लोग तो एशिया के जहाज़ों में डकैती और सशक्त लूट की रोकथाम के लिए सूचना का हब बनना इसका दृष्टिकोण है। उद्देश्य की बात करें तो जहाज़ों में डकैती और सशक्त लूट की रोकथाम में सूचना साझाकरण, क्षमता निर्माण और सहयोगी तालमेल के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग का संवर्धन करना इसका उद्देश्य है। बात कर लेते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बारे में। इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, डेनमार्क, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, म्यांमार, नीदरलैंड, नॉर्वे, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, UK, USA और वियतनाम आपका शामिल है। इसकी मुख्य इकाई के बारे में बात करें हम लोग तो मुख्य इकाई में सूचना साझाकरण केंद्र ISC है। 2018 में शासकीय परिषद की बैठक में ISC की को एशिया में जहाज़ों में डकैती और सशस्त्र लूट की रोकथाम के लिए उत्कृष्टता का केंद्र घोषित किया गया। क्षमता निर्माण की बात करें तो RCEP ISC एवं किसी एक सहयोगी सदस्य द्वारा प्रत्येक वर्ष CBW का आयोजन किया जाता है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एशिया में जहाज़ों में डकैती और सशक्त लूट की घटनाओं की नवीन जानकारी को साझा करना। बात करते हैं भारत और RCEP ISC के बारे में। 20 जून 2019 को भारत तटरक्षक बल और RCEP ISC ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से 12वीं CWB का आयोजन किया था। इससे पहले भारत में CBW का आयोजन नवंबर 2011 में गोवा में किया गया था, दिसंबर 2012 में नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका RCEP रीजनल कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन कम्बेटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। आगे हम लोग बात करेंगे ABEB यानी कि एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के बारे में। ठीक है,